हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें लेक्चर पार्ट टू। पार्ट वन आप होप कि आप देखे होगे, और जितना मैं करा देता हूँ सेमीकंडक्टर से उतना अगर कर लोगे तो तुम्हें दो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये जो क्वेश्चन है कहता है इन द फिगर, डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायोड और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बना है, और ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों बार बार इधर आएगा, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये कहता है इसमें एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो एक रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो दी हुई है और ईएमएफ इस बैटरी की जो है वो ईएमएफ दे रखा है। साथ साथ एक बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो दे रखा है 0.5 वोल्ट। डायोड जो है वो उसका एक बैरियर पोटेंशियल होता है वो दिया हुआ है, लेकिन इस डायोड का रेजिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब दिया ही नहीं है, रेजिस्टेंस डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, तो मैं आइडियल लेके चलूंगा। तो इसका बैरियर पोटेंशियल तो अभी देखेंगे। अभी देखो डायोड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, और इसका पॉजिटिव और ये डंडा मतलब इसका निगेटिव। तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों वो जीरो होता है आइडियल केस में। तो अगर ये रेजिस्टेंस जीरो है आइडियल केस में तो इसका रेजिस्टेंस मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन इसका बैरियर पोटेंशियल मैं काउंट करूंगा जो कि दिया हुआ। अब बैरियर पोटेंशियल क्या होता है एक बार इधर देख लो। एक डायोड है, पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप है, एएन टाइप है, तो ये पी टाइप है, एएन टाइप है, पीएन जंक्शन है। तो जब हम ऐसे पीएन जंक्शन बनाते हैं तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं पी टाइप में, और इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन कंसंट्रेशन जो नंबर पॉपुलेशन उनकी संख्या की वजह से ये जो इसमें माइनर इसमें जो है इसमें होल्स कम होते हैं। ठीक है, तो ये होल्स इधर डिफ्यूज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर ज़्यादा हैं और इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये मिलना चाहेंगे, तो होल्स ये एक्चुअली एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं। तो उस डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इधर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ एक पॉजिटिव लेयर बन जाती है। अभी बैटरी कनेक्ट नहीं हुआ, अभी ये जो बात हुआ है वो कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ एक लेयर बन जाती है पॉजिटिव की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गए तो वैकेंट प्लेस बन गया है। उसी तरह से होल्स इधर गए हैं तो इधर यहाँ पे एक निगेटिव की लेयर बन गई है, और इस वजह से ये बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ये तो न्यूट्रल रीजन है। ठीक है, यहाँ पे नो चार्ज कैरियर्स होता है लाइक द बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर होता है इधर इंडिया इधर पाकिस्तान है, बॉर्डर पे किसी को नहीं रहना है, लेकिन बॉर्डर के सटे हुए लोग रहते हैं। ठीक है, जस्ट सटे हुए आर्मी रहते हैं यहाँ पर, ये बैरियर पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस और ये यहाँ से माइनस, प्लस और माइनस, ये बैरियर पोटेंशियल वी और इसकी वैल्यू 0.5 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये वाली चीज़। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में है या ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो ऐसे ही होगा, चाहे वो आप फॉरवर्ड से कनेक्शन करो और चाहे रिवर्स से कनेक्शन करो। ठीक है, बट इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है बाय द कनेक्शन ऑफ फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग से, ये बैरियर पोटेंशियल कम या ज़्यादा होता है, हमें पहले से पता है, पढ़ चुके हैं। तो अगर इस सर्किट को यहाँ पे इस सर्किट को अगर मैं रीड्रा करूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस सर्किट को अगर मैं रीड्रा करूँ तो ये जो बैरियर पोटेंशियल अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से रेजिस्टेंस एक पहले से लगा हुआ है और यहाँ से एक प्लस प्लस माइनस और यहाँ से प्लस माइनस। तो ये जो है ये माइनस प्लस, यहाँ से 3.5 वोल्ट की बैटरी यहाँ लग गई यार, और यहाँ से 0.5 वोल्ट की बैटरी यहाँ लग गई। तो ये प्लस माइनस और ये रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है कितना है, 100 ओम है यार। तो ये 100 ओम है और ये यहाँ से ये, तो ये नया सर्किट बन गया। अभी सर्किट में हमें करंट निकालना है, ऑब्वियसली अगर देखोगे तो इस सर्किट में अगर करंट निकालने के लिए बैरियर पोटेंशियल फॉरवर्ड बायसिंग में जो होता है वो ए प्लस माइनस, हाँ सही है। तो
ये प्लस टर्मिनल इसका निगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन है। तो नेट जो पोटेंशियल हो जाएगा, नेट पोटेंशियल यहाँ से नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे, 3.5 माइनस 0.5 मतलब ये आ जाएगा 3 वोल्ट जो है वो नेट पोटेंशियल इस सर्किट का हो जाएगा। तो जो करंट आ जाएगा वो नेट पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, नेट पोटेंशियल कितना आ गया 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना बोलो 100 है, ठीक है। अब ये मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो ऊपर से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 30 और ये 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, या इसको मैं लिख सकता हूँ 30 मिली एम्पियर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। तो ये सी ऑप्शन सही है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये मज़ा आ गया होगा इसको समझ के, ठीक है। चलो नेक्स्ट।